अभी थोड़ा सा सावा लेके आई, तो थोड़ा सा उससे पहले मैंने तेल और पानी लगा के रख दिया था बालों में, और फिर मैंने सावा लिया था। उसके बाद थोड़ा सा ठीक है, बट कभी लिटरली जब मैं थोड़ा सा ऐसे डाउन हो रही थी तब मेरे को चक्कर से आ रहे हैं। अदरवाइज फिलहाल तो मैं अभी एनर्जी के लिए ये ग्लूकोज पी रही हूँ, और ग्लूकोज पीने से पहले मैं ये देखिए कुकु को देखिए उसकी गाड़ी, इसी गाड़ी थोड़ा सा मैं सर ऊपर कर रही हूँ, तो मुझे चक्कर से पकाने क्यों आ रहे हैं। और हम मदर्स को तो थोड़ा सा भी अगर बीमार हो जाए तो बच्चों के साथ पहले तो बच्चों की केयर करना ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम एक ही जगह में लेते रहे तो पहले हम अब छोटे बड़े बच्चे थोड़ा सा बड़े बच्चे हो तो उन्हें बता भी दो कि ऐसा करो, अभी इतने छोटे बच्चों के साथ तो हमें खुद ही ठीक रहना चाहिए, ठीक होना मतलब नहीं भी होंगे तो बिस्तर से उठना ही पड़ेगा हमें पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये मेरे साथ नहीं हर मदर्स के साथ ऐसे होता है जिनके बच्चे छोटे होते हैं 0 to 5 years, क्योंकि उसके बाद तो बच्चों को थोड़ा हम गाइड भी कर सकते कि बच्चे ऐसा करो यहाँ पे बैठो, थोड़ा समझदार हो जाता है, पर इन छोटे बच्चों को क्या समझाएगी हमारी तबीयत खराब है ये कुछ है। हाँ तो मैं बता रही थी जब अगर कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीक हो मतलब मेरी तबीयत खराब है या कुछ है, तो अगर हम खुद को उस हिस्से में देखते तो हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं अपनी शक्ल देख के, इसलिए उस टाइम मैं अपना थोड़ा सा डार्क मेकअप कर लेती हूँ, थोड़ा सा सवर जाती हूँ, और ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती हूँ कि नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, और खुद को देख के फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है। और जो हमारी जिस चीज़ से हमें जो भी प्रॉब्लम रहती है उससे थोड़ा सा उसकी तरफ माइंड डाइवर्ट नहीं होता, फिर अपने फेस को देखते हैं तो अच्छा अच्छा सा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ उस दिन, थोड़ा सा सवर जाती हूँ। आज भी मैं इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क गेटअप रख दिया, बड़ी बिंदी लगा दी है ताकि मेरा फोकस उस बड़ी बिंदी में रहे, डार्क लिपस्टिक लगा दी ताकि मेरा फोकस उस लिपस्टिक में रहे, काजल लगा लिए, बस ये एक मोटिवेटेड साइन देते हैं। ये एलोवेरा मैंने एक्चुअली अंदर ही रखा है ताकि मेरे को याद भी आ सके इसको पानी, और इसका वैसे तो एलोवेरा का मतलब बाहर से इसको सब कुछ धूप वगैरह सब मिल जाती है, यहाँ सबसे पहले मॉर्निंग में धूप आ जाती है और अभी तक शाम तक धूप रहती है, इसी कारण मैंने यहाँ पे रखा है, बाहर जाना इतना होता नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है, तो अभी मुझे याद आ जाए कि इसमें पानी डालना है। और इसके यूज़ एलोवेरा के यूज़ बहुत है, इसलिए मैंने यहाँ इसको लाया है, क्योंकि ये भी मेरे देवर ने उगाया था रेस्टोरेंट में, तो ये यहाँ मैंने मंगा दिया है ताकि मैं यूज़ कर सकूँ फेस में लगा लूँ। और एलोवेरा के तो इतने सारे फायदे हैं आप सबको पता होगा, तो एक बस मैं भी इसमें इसको इसका जेल फेस में लगा देती हूँ, बालों में कभी लगा दिया तो आप भी ट्राई करिए एलोवेरा, हो सके तो जेल का यूज कम करिए, हाँ हो सके तो जेल का यूज कम करिए, नेचुरल जो उसके प्लांट्स होते हैं उसका जेल लगाइए, क्योंकि जेल भी इतने प्यूरिफाई फॉर्म में, मैं सोचती हूँ अगर YouTube चैनल खोला है तो कुछ थोड़ा सा बेनिफिट भी हो जाए सबका और मेरा भी पैशन पूरा हो जाए, क्योंकि मुझे ये टिप्स देना जो मैं मतलब जो मैं अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करती हूँ, जो भी टिप्स मैं यूज़ करती हूँ अपनी लाइफ में, मैं सोचती हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको पता है अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है ताकि वो उनको पता चल जाए और वो भी यूज़ करें। खिचड़ी बेबी खिचड़ी हो कुछ कुछ, तो फ्रेंड्स मूंग दाल की खिचड़ी तो हम मतलब बनाते ही रहते हैं, तो आज मैंने मसूर की दाल ऐड कर दी है चावल में और इसी की बनाएंगे।
मामा पे भी खिचड़ी है और नमकीन थोड़ी है, खिचड़ी है। वो भी बातें कर रहा है आपसे, ये भी एक बड़ा यूट्यूबर बनेगा। एक्चुअली मेरा है क्या, आजकल के जितने भी यूट्यूबर्स के बच्चे हो सारे मम्मीज तो ज्यादा छोटे छोटे बच्चे वाली है। मैंने देखी है जितने भी यूट्यूबर्स है, बड़े यूट्यूबर्स है छोटे यूट्यूबर्स है, वो भी अपने बच्चों को कैमरा के आगे ये बोलो बोलो मेरा ही क्या, ये भी मैं भी बुलवाती हूँ तो सारे यूट्यूबर्स ही ऐसे बुलाते हैं। तो मुझे लग रहा है हमारे बच्चों का फ्यूचर सामने दिख रहा है हमें कि वो यूट्यूबर बन जाए बड़े। आंसू आ जाते हैं हमारे घर वाले को बोलते प्याज बहुत कट रहा है। तो अगर प्याज अगर आपके ज्यादा ज्यादा पिरा प्याज है तो एक उपाय है कि आप चिंगम खाते खाते प्याज कर सकते हैं, उससे आंखों में मिर्ची नहीं लगेगी। और अभी देखिए ऐसा लग रहा है मैं रो रही होंगी। और मेरे को अपनी मम्मी याद है, जब मेरी मम्मी प्याज काटती थी तो वो कान में ऐसे प्याज को लगा देती थी, आई डोंट नो व्हाई क्यों लगा। लोग बोलते हैं कि उसने मेरे को इतना रुलाया, मुझे इतना रुलाया, आज मैं बोलूँ कि इस प्याज ने मेरे को इतना रुलाया क्या बोलूँ। बहुत रुला दिया इस प्याज ने आज। मैंने जो मेकअप करा था वो भी बर्बाद हो गया। जस्ट फनी है ताकि आप मेरी वीडियोस में बोर ना हो जाए, मैं भी एंटरटेनमेंट हो जाए और आप भी एंटरटेनमेंट हो जाए। ओके ये थोड़ा सा काम करा है पर ज्यादा नहीं। बिजी होती है ना ये, पता नहीं से काम काम भाग जाता है। ये बाथरूम में चले गया और वहां इसने टप रखा और सारा इधर उधर फैला दिया। चलो फैलाना तो कुछ नहीं होता, बट अगर बच्चा गिर जाए स्लिप हो जाए वो कुछ नहीं है। और अभी डर के कारण देखो मैंने डांटा इसको, कैसे मुंह बना रखा इसने, किसने कहा था वहां पे, कौन गया वहां पे, कौन गया। हाँ और ये उल्टा मुझे भी कर रहा है कि कौन गया, मार रहा मम्मी अपनी गलती है मुझे मार रहा है, ऐसे कैसे काम करते, क्यों गया था, किसने करा, किसने करा, किसने करा, किसने करा, किसने गिर जाता तो हाई हो जाती यहाँ पे तो क्या करता, हाई हो जाएगी तो हाँ तो क्या करेगा, क्यों जाते हो तो इधर, ये देखिए इसलिए मैं बिंदी लगाती नहीं हूँ क्योंकि ये ऐसी करता है, इसलिए मैं ज्यादा बिंदी यूज नहीं करती हूँ। ये अब हमेशा बचपन से लेके अभी तक ये ऐसी बिंदी मैं लगाती तो हमने सिर पे लगा लेता, अभी तो अभी लगाई इसने नहीं पार, मम्मा को पता रहा है कि मम्मा मारे ना इसको, ये देखिए बच्चे 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 मन के छच्चे छच्चे छच्चे। आज देखिए अगर मैं लेट जाऊंगी तो ये ऐसे इधर उधर भाग जाएगा, इसको कौन ध्यान रखेगा। अच्छा मम्मा की बिंदी लगा दो ढंग से लगाओ जहाँ पे लगाते। बनाना खाया नीचे ना आता जा फेंक दिया, कैसे गंदे काम करते हैं कुकु। मामा बस टमाटर कटना नहीं चाहिए तो खाली हाथ कर देते हैं। लेसन फ्रेंड्स में काटने की जगह कूटने गड़वाली में कूटना बोलते, या इसको खींचना कूटना खींचना, और या तो आप कुछ भी बोल सकते हैं अपनी मेरी लैंग्वेज में, कूटना खींचना तो मैं बोलती नहीं हूँ, कूटना बोलती हूँ। कूट के मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ इसलिए यूज करना, क्योंकि काटेंगे तो हम वो
बहुत वो हो जाता है, मुझे पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है, अपनी अपनी चॉइस है। प्यार और ऐड करके इसमें मैगी मसाला, ये नूडल मसाला, क्योंकि ये जब हमने बनाया था तो बच गया था, तो इसमें डाल के थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। खिचड़ी खाने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि खिचड़ी पुलाव होता है, तो पुलाव अच्छे से जिसमें वेजिटेबल पुलाव तो खा लिया जाता था, तो इस दाल की खिचड़ी खाने में थोड़ा सा मुँह ऐसा खिचड़ी अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ उसमें थोड़ा सा ये ऐड करके मैं भी अच्छे से खाऊँ, खुद खा लें। नमक भी डाल दिया है, आई थिंक नमक भी डाला है मैंने। अब एक वर्ड और बताऊँ कि गढ़वाली में बोलते लूड भी डाले मीन। एक्चुअली मुझे गढ़वाली हूँ मैं, बट मुझे इसलिए गढ़वाली बोलनी नहीं आती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि पहले सबसे पहले मैं इंग्लिश बोलने से पहले मैं गढ़वाली बोलना सीखूँ। अपनी मदर टंग ही बोलना सीखना चाहिए, इंग्लिश तो बाद में की बात है, तो बोल रही आ ही जाती है कभी ना कभी। और तो मैं यही मैं हमेशा यही ट्राई कर, मैं हमेशा यही कोशिश कर दूँ कि पहले सबसे पहले मैं गढ़वाली से, अब गढ़वाली में सीखूँ वो बेबी अभी हम गढ़वाली में सीख लूँ, पर मैं सभी लैंग्वेज मिक्स कर दे दूँ, पौड़ी टीरी कुमाऊनी और तो ऑल उत्तराखंड की लैंग्वेज में मिक्स कर देती हूँ। इसलिए जब भी मैं कभी बुडो के संग गढ़वाली मतलब बोलती तो नहीं हूँ, बस बोलना कोशिश करती तो हंसते है मेरी गढ़वाली, पर मैं सोचती कोई नहीं मैंने ट्राई तो करा है ना, एक ना एक दिन अच्छे से आई जाएगी। कुछ भी यूज कर लेती हूँ, मतलब मुझे कुछ पता नहीं रहता कि पौड़ी की लैंग्वेज है, टीवी की लैंग्वेज है, कुमाऊं की लैंग्वेज है, तो मैं सारी इंग्लिश कर देती हूँ, तो मैं जो वर्ड में कैच कर लेती हूँ लोगों से वो मैं बोल लेती हूँ। आप सब भी खोते होंगे ना ऐसे, अब फिर जो मैं हूँ ना मैं वही दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में, ऐसे नहीं दिखाऊंगी कि मैं आपको कुछ सेटअप करके ये अपना सेटअप करके पहले से सेटअप कर दिया, फिर मेरे को कैमरे के आगे आना है, इसलिए मैं अपना ये मेरे पास ये है मैं खरीद रही हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वही दिखाऊंगी। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा होता है ना, हम वीडियो बनाते हैं सोचते हैं किसी से
टिप्स मारते तो ऐसे बोलते पहले तुम सेटअप करो। अरे भाई सेटअप क्या करना है, जैसे हमें व्लॉग ऐसे ऐसे लाइव दिखा रहे हैं ना अपने, क्या सेटअप करके क्या होगा, एक दिन सेटअप करेंगे दूसरे दिन सेटअप करेंगे, डेली थोड़ी सेटअप कर सकेंगे, इतना टाइम थोड़ी होता है कि सेटअप करने का, फिल्म थोड़ी बन रही है, हमारा व्लॉग बन रहा है। अंजलि बेबी खत्म हो गए, खत्म, फिर टमाटो मारने लगे, सीरियल आते हैं उन पे होता है ऐसे कि अभी हम ये लगा दो वो लगा दो। तो आप सबको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते हो, आपको लगता है सेटअप लगाना है तो मैं ऐसी हूँ। अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं हम, अगर हमें अपनी जरूरत है लाइफ में चीजों को अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे, पर ये तुमको ऐसे मत करो बेबी, मामा बात कर रही है ना, रुको ऐसा मत करो। थैंक यू आप सभी का जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है, प्लीज उसको वॉच भी करिए और शेयर भी कीजिए, इसी तरह से प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मेरे 100 में प्लस 10 और ऐड हो जाए और एज सुन एज मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। बस आप सबसे यही उम्मीद है कि अपना ना साथ और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।